साथ कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का 83वें जन्मदिन दिवस पर साइकिल रेस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के 83वें जन्मदिन के अवसर पर सपा नेत्री रोली यादव के नेतृत्व में साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर 14 किलोमीटर साइकिल रेस प्रतियोगिता चौरे बाजार से चलकर बीकापुर विधानसभा में आकर समाप्त हुई। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर इस साइकिल प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों समेत एक दर्जन प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। साइकिल पर प्रतियोगिता रेस में शिवम मौर्य पहले स्थान पर रहे और दूसरे स्थान पर कुलदीप यादव, तीसरे स्थान पर राहुल कुमार ने अपना दबदबा कायम रखा। साइकिल रेस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले शिवम मौर्य को कार्यक्रम के आयोजक और रोली यादव ने मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस पर पुरस्कार के रूप में उन्हें साइकिल देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के आयोजक रोली यादव के हाथों द्वारा उन्हें 2100 की नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि साइकिल रेस प्रतियोगिता का कार्यक्रम पहले हमारे पिता स्वर्गीय परशुराम यादव के द्वारा आयोजित किया जाता था, जो आज हम लोगों के बीच नहीं है। रोली यादव ने यह भी बताया कि आज हमारी जो पहचान है हमारे पिताजी की वजह से है। उन्होंने मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे पिताजी ने हमें कभी लड़की माना ही नहीं, वह हमेशा मुझे लड़के का दर्जा देते थे। सपा नेत्री रोली यादव ने यह भी कहा कि आज मेरी जो पहचान है मेरे पिताजी की बदौलत है और हम उनके आदर्शों और विचारों पर चलकर उनका सपना साकार करेंगे। लाइव टीवी समाचार के लिए अयोध्या से बीके यादव की रिपोर्ट। हमारे पिताजी ने हमें बेटी माना ही नहीं, ईश्वर की देन है कि मैं एक बेटी बन गई, पर हुनर और काम करने का जज्बा मेरे पास लड़कों का है। मैं खुद को लड़की मान के नहीं चलती हूँ, बनी तो हूँ लड़की पर अब खुद को एक महिला नहीं मानती। अगर महिला मान के चलती तो शायद बीकापुर क्षेत्र फैजाबाद जिले में रोली यादव अपने नाम से पहचान न बना पाती। इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी थे मैंने सबका सम्मान किया और मुझे नाम नहीं पता। प्रथम पुरस्कार साइकिल रहता है, दूसरा पुरस्कार हाथ की घड़ी देती हूँ मैं, और तीसरा पुरस्कार अनाज रखने वाली बुखार रहती है। पुरस्कार हमने कोई भी नहीं बदला है, इसलिए कि वो मेरे पापा की डाली हुई परंपरा और उनकी डाली हुई भूल है। मैं कुछ अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा की यादों में उनके मन में जिंदा रहा हूँ। मेरे मन में मेरे पापा हैं और मेरी पहचान मेरे पापा से है, और बीकापुर इस क्षेत्र में एक पहचान एक बेटी ये बनाएगी। जिस तरह से मेरे पापा मुझे बेटी नहीं मानते थे, उस तरह से मैं एक बेटा बनके अपने पापा के नाम को आगे बढ़ाऊंगी। वक्त लगेगा पर हासिल जरूर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।